हेलो एवरी वेलकम टू शिवर्स इंस्टीट्यूट टुडे उल डिस्कस ए मॉक पेपर टू एनहेंस कॉन्फिडेंस राइट जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए आंसर आ जाना चाहिए अभी तक और आंसर ये सर एक्सप्लेन वन से okay, मैं क्लास खत्म करके मैं बता देता हूं ठीक है ठीक है संतोष अभी इसका आंसर बताओ सर्टेन ओल्ड आर नाइट्स सर्टेन ओल्ड आउल नाइट इसका मतलब क्या है सर्टेन मीन सोम सोम ओल्ड ऑल ओल्ड आर व्हाइट सरका सॉरी यह सर ओल्ड क्या है आउल व्हाइट ऑल नाइट बिंग व्हाइट इज ए पॉसिबल सरका सर नाइट व्हाइट हो सकता हो सकता है क्या हाँ हो सकते हैं ये तो हो सकता है सम व्हाइट बीइंग नाइट इज ए पॉसिबिलिटी ये गलत होगा क्यों गलत होगा बिकॉज ऑलरेडी सम व्हाइट इज नाइट कुछ ऑलरेडी नाइट है तो पॉसिबिलिटी का कुछ जरूरत नहीं है ओनली वन फॉलोस ठीक है सी 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 नहीं होगा C. C जो हो रहा है जो ऑलरेडी है, है उसको पॉसिबिलिटी में गलत मानने वी विल कंसीडर इट रॉन्ग जो ऑलरेडी है उसको पॉसिबिलिटी का जरूरत ही नहीं है इसीलिए गलत होगा ठीक है क्लियर हुआ अगर पॉसिबिलिटी में कुछ दे रहा है एंड वो ऑलरेडी सही है तो वो गलत हो जाएगा मतलब क्या हो रहा है संतोष तुमने गलत किया ना हाँ सपोज यू हैव ए गर्लफ्रेंड सपोज नाम तो नहीं लूंगा ठीक है इज ए ये जो ए है ये ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तुम्हारा ए इज गर्लफ्रेंड ऑफ संतोष गर्लफ्रेंड ऑफ संतोष इज ए पॉसिबिलिटी अगर मैंने बोल दिया तुम तो मुझे मानने को आ जाओगे ऑलरेडी है पॉसिबिलिटी का जरूरत क्या है, है कि नहीं समझ में आया अभी तो अगर जो ऑलरेडी है जो ऑलरेडी है उसमें पॉसिबिलिटी अगर आ गया तो वो गलत हो जाएगा ठीक है ए सम्स आर लैंप्स कुछ यम्स लैंप है लैप्स है सॉम लेप्स आर एग्जिस्ट कुछ लैप्स क्या है एग्जिस्ट है ऑल एग्जिस्ट आर इवनिंग का सारा एग्जिस्ट क्या है इवनिंग है सम इवनिंग आर लैप कुछ इवनिंग लैप है क्या हाँ है दिस पार्ट ऑफ इवनिंग इज लैप सम इवनिंग आर एम्स इवनिंग एम एम्स का कुछ रिलेशन नहीं है डेफिनेटली ये गलत होगा ठीक है मैंने ऑन ही नहीं किया इसका आंसर ई e. देखो ऑल पेन आर कैप सार का सारा पैन क्या है कैप है नो कैप इज कैन कैप कैन नहीं है ऑल कैन आर ऑटो सार का सारा कैन क्या है ऑटो है ठीक है ऑल कैन सर ऑटो सम ऑटोस आर कैन कुछ ऑटो कैन है क्या हा है दिखाई दे रहा हाँ है हा है नो कैन इज पेन हाँ, ये तो सही है पेन कहा पर है कैप के अंदर है पूरा का पूरा कैप कैन नहीं हो सकता इन मींस पेन भी कैन नहीं हो सकता नो पेन इज नो कैन इज पैन हाँ बिल्कुल सही है बोट कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोस एनी डाउट शुड आई रिपीट अगेन क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर दो क्वेश्चन नंबर फोर कुमल तुम्हारा तुम एग्जाम हो गया या एग्जाम है सर इलेवन को है ओके okay. ओके okay, कोई बात नहीं समझ में आया ना संतोष जितना भी नंबर है सबको ड्रॉप कर दिया जाए इरेज कर दिया जाए हुई देंट ऑफ एम एम का टेंथ लेफ्ट कौन है यह पूछ रहे बट दैट वी है नंबर तो एम से लेफ्ट तक काउंट करो एम से लेफ्ट तक काउंट करो एम से लेफ्ट तक बड़ा थिंग इज दैट डोंट काउंट नंबर्स स्किप कर दो नंबर्स को नंबर्स को स्किप कर दो एम का एम यहां पर है लेफ्ट इस तरफ काउंट करना होगा व्हेन यू विल स्किप नंबर्स फोर आ गया ये फाइव सिक्स सेवन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये आना चाहिए बी कैसे आ रहे ज्यादा हो गया क्या फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सॉरी परसेंटेज परसेंटेज होगा ठीक है मेरा गलती हुआ था गलत हुआ था परसेंटेज ठीक है टली फॉलोड बाय नंबर ऐसा कितना भावेल्स है जिसके जस्ट बाद कौन है नंबर भावल के बाद नंबर ऐसा कितना भावल है ये जो अरेंजमेंट है इस अरेजमेंट में ऐसा कितना भावल है जिसके इमीडिएट बाद क्या होना चाहिए नंबर होना चाहिए भावल भावल के बाद नंबर हाँ है और भावल कहा नंबर हाँ ये डी आर आई डी अभी और भावल कहां पर है भावल के बाद क्या है नंबर हाँ है ये बोला है ये भावेल है आई भी भावेल है उसके बाद नंबर नहीं इसको काउंट नहीं करेंगे ये भी भावेल है उसके बाद नंबर नहीं है तो भावेल और नहीं है तो थ्री एक ए, दूसरा ई ए, एंड तीसरा यू थ्री फोर ऑफ द फाइव सर्टेन वे हैज दिस फॉर्म ए ग्रुप व्हिच ऑफ व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप पहला वाला कॉपीराइट राइट ए टेफ कॉपीराइट यहां है एट यहां है एफ यहां पर है ठीक है दूसरा पी स्टार डब्ल्यू पी यहां पर है स्टार यहां पर है डब्ल्यू यहां पर सेम पैटर्न हो रही पी के बाद वन स्किप वन स्किप, पी के बाद जो वन स्किप करके जो आएगा आफ्टर डेट थर्ड मतलब थर्ड पोजीशन में कौन रहेगा फर्स्ट पोजिशन में पी सेकंड पोजिशन में राइट right साइड से वन स्किप करके जो एलिमेंट है वो वाला एंड थर्ड पोजिशन में जो फास्ट एलिमेंट है उसका लेफ्ट वाला सेम पैटर्न दोनों का तो सेम हो रहा है वन फोर आर वन कहां पर है गया यहाँ वन फोर आर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है थ्री एच फोर थ्री सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है सेवन ए ये फॉलो नहीं हो रहा है देखो ये डी को भी स्किप कर दिया सेवन जी एट ये अलग अलग सा पैटर्न हो गया तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन ठीक है ना हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर डे इन दर्ड हैपेंड इस ऑफ विच एज मेनी लेटर्स बिटवीन दैम एज इन दर्ड इंग्लिश अल्फाबेट सी यहां पर फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ गिवेन नहीं है ठीक है नहीं अगर गिवेन नहीं होगा तो दोनों तरफ से चेक करना होगा हेलो हेलो एरानीम कुछ बोलना था हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर द वर्ड हैपन ईच ऑफ व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट यहां पर बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ है क्या नहीं है तो दोनों तरफ से चेक करना होगा एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन में चेक करो एच ए पी पी ई एन ई डी H का प्लेसो कितना है एट ए का वन पी का सिक्सटीन पी का सिक्सटीन ई e का फाइव एन का फोर्टीन ई e का फाइव डी का फोर ठीक है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन नहीं होगा वन से टू थ्री फोर फाइव नहीं होगा सिक्सटीन से काउंट नहीं करेंगे फाइव से कोई फायदा नहीं एक तो है ये फोर फाइव है नहीं फॉरवर्ड में कुछ आया नहीं अभी फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये वाला और है क्या मेरे हिसाब से तो और नहीं है सिर्फ दो ही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ नहीं मिला बैकवर्ड में टू मिल गया ओवरऑल टू क्लियर एनी डाउट कुछ डाउट होने से डायरेक्टली पूछ लो ठीक है Odd one out. Find the odd from the following. आउट इसका जो फास्टेस्ट वे है वो क्या है प्लेस वैल्यू इसको लिख लो सेवन थर्टीन जी का सेवन एम का थर्टीन सॉरी क्यू सेवेंटीन क्यू सेवेंटीन डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री वाई ट्वेंटी सिक्स सॉरी वाई ट्वेंटी फाइव d4 फोर b22 c3 i9 इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना सिक्स है कि नहीं यहां पे भी सिक्स है यहां पर भी डिफरेंस सिक्स इस... है कि नहीं यहां पर डिफरेंस यहाँ पर भी सिक्स ही है यहां पर कितना होगा ये तो फोर है ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर कितना थर्टी ये यहाँ पर फाइव सी यहाँ पर फोर है ट्वेंटी फाइव माइनस फोर हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज यहां से माइनस कर रहे हैं ना इस साइड से यहां पर जो वेलू है उसमें से इसको कर रहे है, है कि नहीं तो ये फोर है फोर मींस जेड के बाद और काउंट कर लो जेड कितना पर है ट्वेंटी सिक्स ए में और एक आ गया बी में और एक आ गया सी में आ गया डी में और एक आ गया तो कितना हो गया थर्टी थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव फाइव तो यही ऑड है ये वाला ऑड है क्लियर वाई डी सबका आ गया था नाउ क्वेश्चन नाइन डी नाइडर एम से सी तक जाना होगा एम तो कहां पर है यहां पर एम से जा ही नहीं पाओ जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है एम से नहीं जा पाओगे ये तो गलत ही हो गया बी से के तक जाना होगा के कहाँ पर है यहां पर बी यहां पर है बी से तो जा पाओगे बट के तक आ नहीं पाओगे कहने मना किया है आने के लिए गलत নাইডাৰ কনক্লুজন ওৱান অ बी बी बोथ वन एंड टू फोल जे से जेड तक जाना होगा जे पर है जेड यहां पर है कॉमन तो है नहीं हाँ जे से एन तक जाना होगा एन से एम तक हाँ आराम से जा पाओगे उसके बाद एम से जेड तक जे से जेड तक पहुंच गया हाँ ग्रेटर 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 होगा अभी से तक जाना होगा डी से तक डी से तक जाना होगा डी कहां पर यहां पर J कहां पर है यहां पर, पर, यहां पर। तक आ पाओगे क्या उल्टा सिंबल नहीं है क्या ये वाला तो ओनली वन फॉलोज होगा ये गलत होगा क्यों गलत होगा बिकॉज तक जा ही पाओगे उल्टा सिंबल है ये उल्टा सिंबल है राइट हाँ लास्ट वाला ए

उसके बाद उसने सिक्स मीटर वॉक किया ज्यादा हो गया रुक जाओ उसके बाद सिक्स मीटर वॉक किया एंड रिच पॉइंट बी ये वाला पॉइंट भी है देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स टू एट मीटर वॉक्स एट मीटर टू रिच पॉइंट सी उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया उसके बाद एट मीटर वॉक किया टू रिच पॉइंट सी

डी इज ट्वेल्व मीटर टू द्वार ई जो पॉइंट डी है वो ई e का ट्वेल्व मीटर वेस्ट पर है मतलब ईस्टर e डी तरफ होगा ये तो ऑलरेडी एट है ही है और कितना चाहिए फोर चाहिए यहां पर डी होगा पॉइंट एफ इज थ्री मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई जो पॉइंट एफ है वो थ्री मीटर है नॉर्थ में किसका थ्री मीटर डिस्टेंस पर है ई से थ्री मीटर डिस्टेंस नॉर्थ कौन सा पॉइंट एफ ये वाला हो गया सेम बना था ये पॉइंट जी इज टू मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई देन हाउ फार जी इज विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए ये जो पॉइंट जी है अगर टू मीटर वेस्ट पर है किसका पॉइंट ई e का ई e कहां पर है यहां पर 2 मीटर वेस्ट तो ये होगा बिकॉज़ पूरा का पूरा का पूरा का पूरा कितना था 8 था ये कितना 6 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2 2 6 8 हाँ है तो पॉइंट जी कहां होगा यही होगा देन हाउ फार इज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए ए से कितना दूरी पर है 3 मीटर एफ से ही थ्री मीटर तो ए से जी भी थ्री मीटर होगा नाउ पॉइंट बी इज इन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ एफ कहां पर है यहां पर बी कहां पर है यहां पर कौन सा होगा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पेला डी हाउ फार एंड इन हुई डायरेक्शन इज पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी डी एंड सी ফটাৰ ৱেষ্ট ফ'ৰ মিটাৰ ৱেষ্ট ডি এন চি ফাৰ ৱেষ্ট্ৰাই দিছ हो गया फ्लैट फ्लोर इन ए बिल्डिंग ऑफ थ्री फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बींग द बॉटम फ्लोर बॉटम मोस्ट फ्लोर थ्री टू वन तीन फ्लोर है इन ईच फ्लोर देर आर टू फ्लैट्स देखो यहां पर ही सब कुछ दिया हुआ है इथ फ्लोर देर आर टू फ्लैट्स ए एंड बी नाम क्या है बी फ्लैट सा वेस्ट ऑफ बी जो फ्लैट ए है वो बी का वेस्ट पर है मैंने दो प्रोजेक्शन ले लिया ठीक है सेवन फ्रेंड्स ये नाम है Six floor है सेवन फ्रेंड्स कुछ गलत नहीं लग रहा है थ्री फ्लोर टू फ्लैट्स टोटल से सिक्स स्पेस है कि नहीं बाद यहां पर सेवन फ्रेंड्स है सेवन है क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देखते हैं कुछ गलत है बताना चाहिए था ना रुक जाओ हाँ रिंग के टॉप पर है राज ए बट यहां पर राज नहीं होगा बट नॉट ऑन अफोर्ट फोर, फोर सॉरी यहां पर राज नहीं होगा हाँ मतलब किसी एक फ्लैट में दो आदमी है क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन अच्छा है एंड ही लिव्स एलोन मतलब रास के साथ कोई और नहीं है रिनी लिव्स इन फ्लैट इमीडिएटली बिलो रिया फ्लैट रिनी इमीडिएटली बिलो बिलो रिया राम एंड रिया लिव्ड ऑन ऑड फ्लोर्स तो रिया डेफिनेटली यहां होगा सी रिंकी टॉप पर है रिंकी आइडर यहां होगा नहीं तो यहां होगा तो रिया कहा हो सकता है रिया यहां हो सकता है एंड यहां हो सकता है रीनी द फ्लैट इमीडिएटली बिलो रिया फ्लैट तो रीनी यहां आ जाएगा रिनी यहां आ जाएगा अभी राज ए बट यहां पर नहीं है तो ये तो गलत ही हो गया यहां राज आ जाएगा राम एंड रिया राम एंड रिया लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर रानछो लिव टू द ईस्ट ऑफ राम राम यहां आ जाएगा रानछो यहां आ जाएगा राजू लिप्स ऑन ए इवेंट नंबर फ्लोर बट बट नॉट इमीडिएटली बिलो फ्लैट। राजू यहाँ आज राजू राजू एक ही फ्लैट में है राजू लिप्स ऑन इवेंट नंबर फ्लैट हाँ इवेंट नंबर फ्लैट है बट नॉट below बिलो एंड रास फ्लैट रिंकी का इमिडियट बिलो नहीं है राज का भी इमिडियट बिलो नहीं तो ये सही है क्वेश्चन अच्छा था बढ़िया था इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा पेपर इजी आ रहा ठीक है एनी anyway, एनीवे ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं सोल्व किया जहां पर एक प्लेट में दो आदमी है बाकी पर एक 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 सिक्स प्लेट सेवन परसेंट मैंने सोल्व नहीं किया आज पहली टाइम सोल्व कर रहा हूं बट इजी था ये फ्लैट नंबर है टॉप फ्लोर फ्लैट है टॉप फ्लोर फ्लोर है 2B. 2B. Yeah, ये तो फास्ट फ्लो था रानचो फास्ट फ्लो रानचो फास्ट फ्लो क्वेश्चन इजी था क्वेश्चन पैटर्न न्यू था बट क्वेश्चन इजी था ट्राई दिस साथ में सोल्व करते ठीक है कंपनी एक्स एस एट एम्प्लॉइज ये तो पोस्ट बेस है विथ डिफाइन रेजिग्नेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असिस्टेंट सबसे लोअर मोस्ट पोस्ट है एंड डायरेक्टर सीनियर मोस्ट सो so हम लोग डायरेक्टर से स्टार्ट करेंगे डायरेक्टर यहां पर है यहां डायरेक्टर स्पेशलिस्ट कोऑर्डिनेटर, मैनेजर सपोर्ट मैनेजर सर्विस ऑफिसर एसओ एंड असिस्टेंट कुछ गया क्या सपोर्ट मैनेजर सर्विस मैनेजर भी है सपोर्ट मैनेजर उसके बाद सर्विस मैनेजर भी है सर्विस उसके बाद सपोर्ट मैनेजर सर्विस मैनेजर सर्विस ऑफिसर सपोर्ट मैनेजर एस पी एस यू आर एम ए एंड सर्विस मैनेजर एंड जो लास्ट में क्या है असिस्टेंट ठीक है इज नॉट इमीडिएट सीनियर ऑफ बी ए बी का इमीडिएट सीनियर नहीं है मतलब जूनियर हो सकता है ए बी का इमीडिएट सीनियर नहीं, ई इमीडिएट जूनियर टू सी ई इमीडिएट जूनियर सी, एफ इज जूनियर टू डी मैनेजर ऑफ द कंपनी डी क्या है मैनेजर है एफ क्या है उससे जूनियर है एच इजूनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट एच सबसे जूनियर है मतलब एच क्या है असिस्टेंट है नाइडर सी नॉर बी इज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय यहां पर सी भी नहीं हो पाएगा बी इज सीनियर ऑफ नहीं है टू होना चाहिए बी इज सीनियर टू जी बी जी से सीनियर है ठीक है थीके? तो एफ यहाँ हो सकता है डी के नीचे एफ होना चाहिए ना एफ यहाँ हो सकता है एफ यहाँ हो सकता है और कुछ है क्या नहीं है ए बी का इमीडियट चीन नहीं है सी ई place... e को यहां भी प्लेस कर सकता हूं ना इफ़ आई प्लेस सी हियर हियर ई बी को मैं यहां प्लेस करके ए e आराम से यहां प्लेस कर सकता हूं सेम यहां पर भी ये हो सकता है सीई बी ए सॉरी 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 ये मैंने पढ़ा नहीं इमीडिएट सीनियर था ना बी इज इमीडिएट सीनियर टू जी सॉरी 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 बी इमीडिएट सीनियर टू जी एन सीई ये होना चाहिए ठीक है सी यो यहां पर देखो इफ आई प्लस बी बी को तो यहां नहीं प्रेस कर सकता बी को तो यहां नहीं हो पाएगा इफ आई प्लस बी एयर जी ईयर तो सी एंड ई को यहां प्रेस करना होगा ए को तब यहां हो जाएगा ये तो गलत हो गई होगा ही होगा बट थिंग इज दैट इफ आई प्लस सी हियर ई हियर एंड बी हेयर एंड जी हेयर तब ए को मैंने यहाँ प्रेस कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं होगा यह यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर दो पेयर के लिए स्पेस नहीं है देखो इफाइफ सीई e को यहाँ अगर प्रेस कर दिया जाए बी सी के लिए नहीं है Hence, ये भी फॉलो हो रहे ये भी फॉलो हो रहे बी जी यहां जाएगा सी ई यहां जाएगा ए यहां जाएगा अब क्या छूट गया क्या? क्या रह गया तुम लोग को दिखाई दे रहा है ए इज नॉट इमीडिएटली सीनियर टू बी ए इज इमीडिएटली जूनियर ऑफ एफ जूनियर पड़ा टाइम वेस्ट हो गया एक्सट्रीमली सॉरी तुम लोग को समझ में आया ना ये क्यों गलत हुआ बिकॉज एफ इज इमीडिएट जूनियर टू डी डी का इमिडियट जूनियर कौन था एफ था बताना चाहिए ना मैं तीन पोजिशन ऐसे ही ले लिया एक ही एक में ही काम चल जाता एट पर्सन सिटिंग रेक्टेंगल टेबल एंड फेसिंग सेंटर दे आर सीटिंग लाइक ऑफ दैम ऑन कॉर्नर इसका क्वेश्चन तो हो जाएगा आराम से हो जाएगा ना जाऊ इसको मैं सोल्व करके देता हूं मतलब जो लास्ट सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मतलब लेवल हाई था तो मैंने भी मेरा मैं दिमाग में ये परसेप्शन ले लिया कि मे भी ये, ये वाला भी डिफिकल्टी होगा बट थिंग इज वो बहुत इजी था फेसिंग द सेंटर सब सेंटर की तरफ देख रहे है? ये तो इजी ही होगा सेंटर की तरफ देख रहे सेंटर 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 कहाँ देख रहे हैं सेंटर की तरफ

ए एंड बी के बीच में जितना पर्सन है जब लेफ्ट से काउंट करोगे किसका लेफ्ट ए का लेफ्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट से जब काउंट करोगे तो दोनों का सेम इज नॉट नेबर ऑफ जी और बी ई जी का भी नेबर नहीं है ई e का भी नेबर नहीं है ई e यहां हो सकता है नहीं तो यहां हो सकता है और एक प्रोजेक्शन ले लो नाउ इस इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए इस इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए ये अगर यहां पर है ए यही होगा फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट ये अगर यहां पर है ए यहां होगा ठीक है ना ये अभी इसको इंप्लीमेंट करो ए का लेफ्ट से काउंट करो बी तक कितना परसेंट ये तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो एफ कहा जाएगा यहां आ जाएगा देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए ए एंड बी काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एज सेम एज एफ एंड जी वेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ अभी यहां देखो ए एंड बी के बीच में कितना पर्सन है दो तो जी एंड एफ के बीच में कितना पर्सन होना चाहिए दो डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच डी जो है एच का इमीडिएट राइट डी जो है एच का इमीडिएट राइट सी इज नॉट नेबर ऑफ बी सी के लिए यही प्लेस बाकी है बट दट सी बी का नेबर हो गया ये गलत हो गया बिकॉज सी इज नॉट नेबर ऑफ जी तो यहाँ पर सी आ जाएगा ये बिल्कुल सही है ठीक है राइट ऑफ बी बी का थर्ड राइट right पर कौन है फर्स्ट राइट सेकंड थर्ड राइट ए है ऑप्शन है क्या एफ सी एफ नहीं एफ सी नहीं ए एफ ए एफ ऑपोजिट है देखो ए एफ नेबर ऑफ जी जी का नेबर कौन कौन है ए एन सी जी का नेबर यहां पर of sony try this इसको तुम तो लोग होमवर्क कर लेना ठीक है कल मैं एक एक सेशन लूंगा जहां पर सिर्फ मिशेलिनियस क्वेश्चन सिर्फ मिशेलिनियस क्वेश्चन का एक सेशन लूंगा ओके फाइन फिफ्टी क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा सिक्सटी लेकर आऊंगा ठीक है सिक्सटी क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा यहाँ पर पाजल सिटीज में नहीं रहेगा सिक्सटी क्वेश्चन थिंग इज दैट नाइन बजे स्टार्ट करूंगा ना सिक्सटी क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास होगा ठीक है ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू